नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका साथ की बात में। साथ की बात में आज सात मुद्दों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आगामी विधानसभा चुनाव जहां बात होगी चार बड़ी खबरों की, तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं जानकारी के मुताबिक। चुनाव को लेकर चार तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली बड़ी खबर संसद में घूम रहे पेगासस वायरस को लेकर। दरअसल राहुल गांधी ने आज सरकार पर हमला बोला है। दूसरी बड़ी खबर यूपी से है, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा ने ब्राह्मणों को चादने की कवायद शुरू कर दी है। वही तीसरी बड़ी खबर प्रखंड से है, जहां कांग्रेस के भीतर दो महीने से घर आया सियासी संकट दूर होने के साथ ही चुनावी बिगुल भी बच चुका है। पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। वही चौथी बड़ी खबर पंजाब से है, जहां आखिरकार हिंदुस्तान के बाद सिद्धू की आज ताजपोशी हो चुकी है। तो चलिए सभी खबरों पर विस्तार से बात कर लेते हैं। बीजेपी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गई है। इससे पहले बीजेपी ने प्रदेश भर में जिला कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया। कार्य समिति में ये साफ किया गया है कि सेवा कार्य से ही उत्तर प्रदेश संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही पेगासस वायरस का मुद्दा संसद से लेकर सड़क तक पहुंच रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पेगासस के मुद्दे पर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी ने उनका फोन टैप कराए जाने के मुद्दे को लेकर पीएम पर कई गंभीर सवाल दागे और गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा भी मांग लिया है। राहुल गांधी ने कहा कि ये सिर्फ मेरी निजता का मामला नहीं है, जनता की आवाज पर आक्रमण है। सुप्रीम कोर्ट और राफेल की जांच को रोकने के लिए पेगासस का प्रयोग किया गया। गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और नरेंद्र मोदी पर न्यायिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसका अथॉरिटी पीएम मोदी और गृह मंत्री ही कर सकते हैं। साथ ही केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मेरा फोन टेप हो रहा है, ये मुझे मालूम है। इंटेलिजेंस के कई अधिकारियों ने ये भी बोला कि सर आपका फोन टेप हो रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे दोस्तों को फोन करके बोला जाता है कि आप राहुल गांधी को ये बता दीजिए कि उन्होंने ये बात कही थी। मैं डरता नहीं हूँ, मुझे इनसे फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले बता दें, कांग्रेस ने पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल कर आज न्यूज वर्ल्ड इंडिया की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अहमदाबाद के नारायणपुर इलाके में गुरुवार को देश भर में विरोध प्रदर्शन किया था। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग भी की और पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगातार एक घंटे से जम्मू, जयपुर, कोलकाता, विजयवाड़ा, पटना, रांची, बेंगलुरु, चंडीगढ़, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, रायपुर, लखनऊ और देहरादून में धरना प्रदर्शन किया। उनका लीगल काम करने के लिए मीडिया के प्रतिनिधि को मिलने के लिए उचित तो बता दें, एक बार फिर से राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसा है। पेगासस वायरस को लेकर संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही ये मुद्दा संसद में गूंज रहा है और कल भी देश के तमाम बड़े राज्यों में कांग्रेस की तरफ से धरना प्रदर्शन दिया गया था। और आज राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर सीधे तौर पर हमला बोला है और साफ तौर पर राहुल गांधी ने कहा है कि सच को उजागर करने का काम किया था और एक नहीं तीन से चार बार किया गया था। और साथ ही गृह मंत्री अपना इस्तीफा भी दें और पीएम मोदी के खिलाफ न्यायिक जांच भी होनी चाहिए। तमाम आरोप राहुल गांधी की तरफ से। वैक्सीनेशन सेंटर है नारायणपुरा इलाका में आया हुआ है, जो अमित शाह का इलाका है। विधानसभा आता है अमित शाह जी का, जो हमारे माननीय गृह मंत्री है देश के, वही वैक्सीनेशन सेंटर पे आया हूँ। काफी मेरे एग्जैक्टली पीछे तो वैक्सीनेशन सेंटर है। मैं एक घंटा से यहाँ पे आया हूँ। यहाँ के जो अधिकारी है उनकी परमिशन मांग रहा हूँ, लेकिन परमिशन नहीं दी जा रही है और लगातार एक घंटे से मुझे परेशान कर रहे हैं। यहाँ पे जो डेढ़ घंटे से जो लोग बैठे हैं, जो वैक्सीनेशन के लिए बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे वैक्सीन नहीं आई थी। और ऐसे में अभी वैक्सीन आई है और काफी लोग परेशान हैं और कितने देर से मैं परमिशन लेने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अधिकारियों का नंबर मुझे शेयर कर रहा है, लेकिन जो अधिकारी का नंबर मैं कॉल करता हूँ लेकिन वो अधिकारी मेरा कॉल नहीं उठाता है। दिल्ली से मैंने कॉल करवाया, मेरी एचओ ऑफिस से कॉल करवाया तो दिल्ली का कॉल था, वो उन्होंने काट दिया, लेकिन यहाँ के जो मेन हेल्थ अधिकारी है, जो अधिकारी है, वो मीडिया के सामने आके बात करने से मुकर रहे हैं। बरेली में एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ जो है रहा है। वायरल वीडियो में एक युवती इसको ने लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, गंभीर स्वीपिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। युवती का कहना है उसने अपनी मर्जी से शादी की, जिसकी इजरायली सरकार मायके वाले उसकी जान को हथियार का क्लासिफिकेशन देते हैं। उत्तर प्रदेश में
ये कोई पहला मामला नहीं है और ये हथियार बात हो गई है आतंकवादियों के खिलाफ प्रेम विवाह करके क्रिमिनल्स के खिलाफ प्रेमी जोड़े छिपते फिरते हैं, न्याय की गुहार लगाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री ने बनाते हैं और इसमें सिर्फ आम जनता होम मिनिस्टर ने इस हथियार को ऐसे राजनेता भी के इंस्टीट्यूशन के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ इसका प्रयोग किया। दरअसल बरेली जिले के फरीदपुर की रहने वाली युवती सुनैना ने वीडियो में बताया कि उसने 21 जून 2021 को मेरी प्राइवेसी का मामला नहीं, सुमित गुप्ता जो कि अशोक गुप्ता के पुत्र हैं, राहुल गांधी की प्राइवेसी का मामला नहीं, शादी कर ली और शादी रजिस्टर में विपक्ष का एक नेता हूं। युवती का कहना है कि उसने जनता की आवाज के साथ जाकर स्थानीय पुलिस थाने में ऑनर किलिंग उस पर आक्रमण जताई है। युवती ने जनता की आवाज पर आक्रमण एसपी ग्रामीण राजकुमार अग्रवाल सुप्रीम कोर्ट में पेगासस का प्रयोग किया गया खतरा बताते हुए सुरक्षा राफेल का जो इन्वेस्टिगेशन स्पष्ट शब्दों में अपने उसको रोकने के लिए खतरा बताया। युवती ने ये भी कहा कि उसके परिजन उसके ऊपर चोरी का भी इल्जाम लगा सकते हैं। इन तमाम बातों को कहकर सोशल मीडिया पर अपना वीडियो बनाकर उसने सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी नरेंद्र मोदी पे सुन भी सकते हैं आप। युवती का कहना है कि उसे अपनी मर्जी से ऑथराइजेशन और कोई कर नहीं सकता। उसने वीडियो में अपने माइक वालों लगाए हैं प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर का बना हुआ है। आपको याद होगा 2019 में बीजेपी विधायक की बेटी साक्षी और जितेश का मुद्दा काफी ज्यादा गर्म हुआ था। हर बड़े से बड़े मीडिया चैनल पर इस मुद्दे को लेकर डिबेट चली। क्या किसी को अपनी मर्जी से शादी करने का हक नहीं है? क्या दूसरी जाति से शादी करना गुनाह है? ऐसे तमाम सवाल उसमें उठाए भी गए थे। उसके बाद भी तमाम ऐसे मामले आते रहे हैं। कई लोग इनका विरोध करते हैं तो फेल हो या सियासी बाजी जो दाव चल जाता है वो ट्रंप कार्ड कहलाता है और जो फेल हो जाता है वो मंथन शाला में चला जाता है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भी कभी एक कार्ड खेला जिसको ब्राह्मण कार्ड माना गया। यूपी की राजनीति में उनके इस दाव का ऐसा असर हुआ कि मायावती को पूर्ण बहुमत के साथ मुख्यमंत्री की गद्दी मिली और अब जबकि एक बार फिर सर पर विधानसभा चुनाव है और बसपा की विरोधी तीन में न तेरह में मानकर उन्हें चल रही है तो मायावती ने एक बार फिर यही पुराना तीर तरकश से निकाला है। मायावती ने पूरे राज्य में ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित करने का फैसला लिया है और इसकी शुरुआत आज अयोध्या से की जा चुकी है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र की अगुवाई में होने वाले इस सम्मेलन में पार्टी की कोशिश ये बताने की होगी कि वो ब्राह्मणों की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी है। सम्मेलन में सतीश चंद्र मिश्र के अलावा पूर्व मंत्री नबुल दुबे और परेश मिश्र सहित कई ब्राह्मण नेता भी शामिल हुए। ब्राह्मण सम्मेलन प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर 14 अगस्त तक जारी रहेगा। बता दें कि अगला सम्मेलन प्रयागराज में किया जाएगा। मिल रहा है दलित और पिछड़ा वोट बैंक बचाने के लिए हाथरस में क्या हुआ करें। दलित बेटी को 2:30 बजे रात को जला दिया गया, प्रमुख के अध्यक्ष उनके परिवार की FIR नहीं लिखी जाती है। तो ये सारी चीजें दिख रही है कि कहीं न कहीं जो महिलाओं हालांकि बसपा ने अत्याचार हो रहा है कांग्रेस पार्टी श्रीमती प्रियंका गांधी जी लगातार इस बात को उठा रही है और हम महिलाओं के सम्मान की लड़ाई को लड़ने को लेकर बिल्कुल कटिबद्ध है। लेकिन ये सच है उत्तर प्रदेश के लोग इस बात को समझ चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी की और उनकी सरकार के नेताओं की सहायता समाजवादी पार्टी 24 और 25 जुलाई को अम्बेडकर नगर में 26 जुलाई को इलाहाबाद 27 जुलाई को कौशाम्बी 28 जुलाई को प्रतापगढ़ और 29 जुलाई को सुल्तानपुर में इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कोई विधि विरुद्ध नहीं है और उसको मान्यता पूरा समाज करता है, पूरी विधि मान्यता है। तो बता दें आज से बसपा की तरफ से सम्मेलन का आयोजन शुरू किया जा चुका है और 29 जुलाई तक अलग अलग जगहों पर इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव पास आते जा रहे हैं तमाम पार्टियां जो हैं वो कमर कसती हुई नजर आ रही हैं और इसी कड़ी में बसपा ने भी अब एक बार फिर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। कहा जा रहा है कि जब 2007 में मायावती मुख्यमंत्री बनी थी तब भी उन्होंने ब्राह्मणों को सादा था और उसी की बदौलत वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी थी। एक बार फिर से मायावती वही कार्ड खेलना चाह रही हैं और इसीलिए पूरे यूपी में ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है जिस आयोजन की आज अयोध्या से शुरुआत करती गई है और 29 जुलाई तक अलग अलग जिलों में जाकर अयोध्या के बाद अलग अलग जिलों में इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ये उस सरकार के ऊपर बहुत बड़ा कलंक है जिस सरकार के रिजिम में ऐसी चीजें हो रही। और धर्म में कोई राजनीति नहीं करते हैं,
धर्म में जो लोग राजनीति करते हैं उनकी सोच होती है कि हम इसमें किस तरह कार्यक्रम करें क्या। हम भगवान राम पे आस्था रखते हैं, हम भगवान कृष्ण पे आस्था रखते हैं, भोले शंकर में, हम लोग ब्राह्मण समाज से हैं और हम सारे भगवानों पे आस्था रखते हैं और रामचंद्र जी के तो रोज सुबह उठ के पहले पूजा करते हैं। तो अगर हमने कार्यक्रम सोचा है उत्तर प्रदेश में स्टार्ट करने का तो आपके अनुसार भगवान श्री राम का अयोध्या में चल करके उनके रामलला के दर्शन करके अपना कार्यक्रम शुरू करें, उनका आशीर्वाद यहाँ से सीधे हनुमानगढ़ जाएंगे, हम उनके दर्शन करेंगे। पहले भी हम आ चुके हैं लेकिन ये कि कार्यक्रम हम अपना एक पूरे उत्तर प्रदेश में शुरू करने जा रहे थे तो इसके लिए हमने सोचा पहले हम भगवान श्री राम जी के चरणों में जा करके उनके दर्शन करके और उनका आशीर्वाद लेकर के हनुमान जी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेकर के इसमें कोई हम लोग राजनीति नहीं डालते और जो जवान हैं वो भी बूढ़े होंगे। देखिए ये जो लोग सोचते हैं या कहते हैं ये बहुत ही संकीर्ण सोच है। अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि भगवान श्री राम उनके हैं तो इससे आज संकीर्ण सोच, भगवान श्री राम सबके हैं और भगवान श्री राम जितने उनके हैं शायद उनसे ज्यादा हम लोगों के हैं। हमारे हम लोग तो पता नहीं वो करते भी हैं कि नहीं, हम लोग तो सुबह उठ के पहले नित्य पहले पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उसके बाद घर अपना आगे काम चालू करते हैं। लेकिन हम लोग अफसोस होता है जब लोग भगवान श्री राम को भी राजनीति जन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेले के दम पे लड़ेगी, कोई गठबंधन किसी पार्टी से नहीं करेगी। हाँ गठबंधन जरूर करेगी, किससे करेगी ये भी आपको खुलासा करना है। गठबंधन यहाँ की जनता से करेगी, सर्व समाज से करेगी और सर्व समाज से गठबंधन हमने किया है पहले सन 2007 में भाईचारा बनाया सब समाज के साथ में और गठबंधन किया और समूचे ब्राह्मण समाज ने गठबंधन में हमारा योगदान देते हुए और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। आज जिस तरह से ब्राह्मण उपेक्षित है पूरे उत्तर प्रदेश में इस सरकार में और जिस तरह से उसको प्रताड़ना दी जाती है, उसको तंग किया रहा है, वो परेशान है, वो अब की बार मन बना चुके हैं कि इन उन्होंने पहले हमको भी आजमाया, समाजवादी पार्टी को देखा, भारतीय जनता पार्टी को देख लिया जिसमें सबसे ज्यादा प्रताड़ना हुई, तो वो अब की बार मन बना करके बहुजन समाज पार्टी के साथ में आने जा रहे हैं और जब ब्राह्मण आता है तो आप जानते हैं सर्व समाज कर। उत्तराखंड कांग्रेस के अंदर दो महीने से गहराया सियासी संकट दूर होने के साथ ही चुनावी बिगुल भी बज चुका है। हरीश रावत के खेमे में चुनाव से पहले जीत और जश्न का माहौल है क्योंकि चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष होने के नाते इस बार चुनाव की कमान हरीश रावत के हाथ में होगी। साथ ही अपने खास गणेश गोलियार को प्रदेश अध्यक्ष बनवा का हरीश रावत ने ये भी बता दिया है कि पैदा भी पैनल तैयार होने में भी खर्चा की भूमिका रहेगी। हालांकि ये पहली बार हुआ है कि प्रदेश अध्यक्ष और नेता भाजपा की तरह हिंदुत्व गढ़वाल से कांग्रेस की इस नई कहानी में प्रीतम सिंह का किरदार प्रदेश अध्यक्ष से बदलकर नेता प्रतिपक्ष में तब्दील कर दिया गया है। चार कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं जिसमें भुवन कापड़ी का नाम भी शामिल किया गया है। कापड़ी को इसलिए मजबूत किया जा रहा है क्योंकि वो पिछला विधानसभा पहले मात्र 2500 वोटों से वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह तस्वीरों में दिखने वाली और इसी खटीमा सीट से फिर वो दोबारा चुनाव जिसको इस बार कुल मिलाकर हरीश रावत ने सियासी शतरंज की जो बिसात बिछाई थी उस पर वो बाजी जीतने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनना और अपनी पसंद के नेता को अध्यक्ष बनवाना इसके प्रमाण के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष जैसे दोनों महत्वपूर्ण पद गढ़वाल के दिए जाने पर हरीश रावत की सहमति के पीछे भविष्य की रणनीति है। अक्सर ये दोनों पद एक मंडल में होते नहीं है लेकिन हरीश रावत ने इसलिए होने दिया ताकि चुनाव के लिए गठित होने वाले चुनाव संचालन समिति की कमान अपने पास और चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष को ही अमूमन तौर पर चेहरा भी माना जाता रहा है। चुनाव प्रचार समिति में भी ज्यादातर नेता हरीश राम के ही हैं। कोषाध्यक्ष के लिए आर्यन्द्र शर्मा का नाम हरीश खेमे को छक्का देने वाला है। लखराज मेहर को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर पंजाबी लोगों ने सेंधमारी करने की कोशिश की है। बेहद उत्तम सिंह नगर जिले से आते हैं और वो एक बार फिर कैबिनेट मंत्री भी बन चुके हैं। इसके अलावा जीतराम को भी हरीश रावत का करीबी माना जाता है। जीतराम अनुसूचित जाति से आते हैं लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष रावत का नाम चौंकाने वाला है।
हमारा सामाजिक दायरा भी बढ़े और हमारा राजनीतिक दायरा भी बढ़े। जो दायित्व मुझे सौंपा है मेरा प्रयास होगा मेरी कोशिश होगी कि मैं उस दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करूं और जिन साथियों को दायित्व सौंपा गया है उन तमाम साथियों का और हम सबका दायित्व होता है कि हम कांग्रेस के तमाम 2022 में हवा हवाई नेता की जरूरत नहीं है कि जो आए अपना अपनी व्याम लेंगे और एक दिन रुक के चला जाए। उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता को जमीनी स्तर का नेता चाहिए और जमीनी स्तर का नेता उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव जी को देख चुकी है, अपना नेतृत्व स्वीकार कर चुकी है और भविष्य मानती है अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का भविष्य होगा। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस का क्या है, हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, बात कही जा सकती है। उनके जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं आप रोज धरना करते हैं, आपकी पार्टी का जनाधार देखिए क्या पार्टी आपकी पार्टी जमीनी स्तर के कार्यकर्ता आपके कहाँ के हैं, आपके कार्यकर्ता जाते हैं करते हैं लेकिन प्रियंका गांधी जी एक दिन के लिए आके वहाँ से एयरपोर्ट से उनका स्वागत होता है कांग्रेस कार्यकर्ता का, अचानक से जाकर धरने बैठती हैं। तो एक लंबी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस हाईकमान ने सदन संगठन और फील्ड के लिए जो बदलाव किए हैं वो बदलाव पार्टी हित में कम नेताओं के व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखते हुए ज्यादा किए हैं, क्योंकि नेताओं की अपनी मांग थी उन सबका तुष्टिकरण करते हुए कांग्रेस ने सबका मुंह बंद करने का प्रयास किया है। इससे आप देखेंगे पार्टी को स्वीकार करते हुए स्वतः टकराव बढ़ेंगे, कर देना चाहिए उत्तर प्रदेश की राजनीति जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो किस तरीके से कहती है कि मुख्यमंत्री पार्टी है, चार लोग लेके आप विधानसभा के सामने। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में जारी संकट कुछ हद तक कम होता दिख रहा है। आज सुबह कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष का पद संभाल लिया। पद संभालते ही सिद्धू ने मुलाकात करी और कहा कि उनका मिशन पंजाब को जिताना है। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कहा कि आज देश का किसान दिल्ली की सड़कों पर धरना दे रहा है, सबसे बड़ा मसला सिद्धू ने कहा कि कार्यकर्ता के विश्वास में भगवान की आवाज है, हम कार्यकर्ताओं की आवाज को सुनेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि क्यों चोरों की चोरी पकड़ी न जाए, क्यों महंगी बिजली खरीदी जाए। साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि मेरी प्रधानी का सबसे बड़ा मिशन किसानों को ताकत देना ही है। इस दौरान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी उनके साथ मौजूद दिखे और तमाम कार्यकर्ताओं के बीच दोनों ने मंच भी साझा किया। बता दें पंजाब कांग्रेस के नए वर्किंग प्रेसिडेंट संगत सिंह को जीत ना गया कैप्टन अमरिंदर सिंह को न्योता देने का जो उन्होंने स्वीकार कर लिया। साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना भी साध रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय आलाकमान की मर्जी के बाद भी उन्हें काफी दिनों तक पंजाब कांग्रेस की कुर्सी पर बैठने के लिए इंतजार करना पड़ा था। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मांग की थी कि सिद्धू को उनसे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने माफी मांगने से इनकार कर दिया था। अब केंद्रीय आलाकमान ने निर्देश पर ही सभी कांग्रेसी नेता एक साथ मंच पर पहुंचे। प्रदेश कांग्रेस का पद मिलने के बाद से ही नवजोत सिंह सिद्धू लगातार नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में अमृतसर, नवांशहर समेत कई बड़े नेताओं के नेताओं का पार्टी छोड़कर जाना पड़ गया है। और तो बता दें लंबे इंतजार के बाद आज सिद्धू की ताजपोशी जो है वो हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष का पद आज से सिद्धू ने संभाल लिया है। हालांकि तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि कैप्टन अमरिंदर सिद्धू से नाराज चल रहे हैं तो भी आज ताजपोशी के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, लेकिन जब कैप्टन अमरिंदर को आमंत्रित किया गया तो वो आज यहाँ पर पहुंचे। हालांकि सिद्धू ने जब मंच से हुंकार भरी तो कैप्टन का नाम उन्होंने नहीं लिया, इसी से अंदाजा लगाया जा रहा है कि दोनों के बीच अब भी कहीं ना कहीं मनमुटाव जो है वो जारी है। दरअसल पिछले काफी दिनों से ये उठापटक जो है कांग्रेस में चल रही थी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर काफी उठापटक चल रही थी। इस बीच लगातार जब सिद्धू का नाम सामने आ रहा था तो कैप्टन इस नाम से राजी नहीं थे, लेकिन जब कांग्रेस आलाकमान की तरफ से इस नाम पर मोहर लगा दी गई तो कैप्टन को इस नाम पर हामी भरनी पड़ी, लेकिन उसके बाद भी कैप्टन ने सिद्धू को बधाई नहीं दी थी। इसके बाद अटकलें लगाई जाने लगी थी कि कैप्टन जो है वो सिद्धू के ताजपोशी कार्यक्रम समारोह में शामिल होंगे, लेकिन आज कैप्टन भी समारोह में शामिल हुए थे। जिसके बाद सिद्धू ने जब स्टेज से हुंकार भरी तो सिद्धू ने भी कैप्टन का नाम नहीं लिया। ये लोग लाख कोशिश कर लें तो अगले 25-30 साल बाद शायद कुछ आ जाए,
साथ ही बता दें पंजाब कांग्रेस के नए वर्किंग प्रेसिडेंट संगत सिंह जीत नागरा कल कैप्टन अमरिंदर सिंह को न्योता देने पहुंचे थे। साथ ही उन्होंने कैप्टन ने यह न्योता स्वीकार कर लिया था और नवजोत सिंह सिद्धू लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना भी साधते रहे। आज जब स्टेज से नवजोत सिंह बोले थे तो वो हमला बोलते ही कैप्टन पर नजर आए। ऐसे में केंद्रीय आला कमान की मर्जी के बाद काफी दिनों तक पंजाब कांग्रेस की कुर्सी पर बैठने के लिए मीराबाई चारू ने स्नैच में वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मांग की थी दरअसल कि क्लीन एंड जर्क में मीराबाई चारू लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू अपनी बात पर अड़े रहे और उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया। और वहीं जब अब केंद्रीय आलाकमान के निर्देश पर सभी कांग्रेसी नेता एक स्टेज पर एक साथ पहुंच गए तो ये सब देखकर चौंक गए थे। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष का पद मिलने के बाद से ही नवजोत सिंह सिद्धू लगातार नेताओं से मुलाकात राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और नवा शहर समेत कई इलाकों का दौरा और जानते हैं आज मीराबाई चानू के बारे में। साइक होम मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रच दिया है। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 में वेटलिफ्टिंग में भारत के लिए पहला सिल्वर मेडल जीत लिया है। मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम महिला वर्ग के वेटलिफ्टिंग इवेंट में सिल्वर पदक अपने नाम किया और इसी के साथ ओलंपिक खेलों के पहले ही दिन भारत पदक तालिका में अपना खाता खोलने में कामयाब रहा है। वहीं चीन की जिजहू को वेटलिफ्टिंग के 49 किलोग्राम इवेंट में गोल्ड मेडल मिला है। कौन है मीराबाई चानू? मणिपुर की राजधानी इम्फाल की रहने वाली मीराबाई चानू का जन्म 8 अगस्त 1994 को इम्फाल में हुआ था। 26 वर्षीय मीराबाई चानू को बचपन में तीरंदाजी का शौक था और वो इसी में अपना करियर भी बनाना चाहती थी, लेकिन 8वीं कक्षा के बाद उनका झुकाव वेटलिफ्टिंग की ओर हो गया और फिर उन्होंने इसी में आगे बढ़ने का फैसला किया। दरअसल इम्फाल की वेटलिफ्टर कुंजरानी को प्रेरणा मानकर चानू भी भारोत्तोलन में दिलचस्पी लेने लगी है। चानू ने 11 साल की उम्र में ग्लोबल वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। बाद में उन्होंने विश्व और एशियाई जूनियर चैंपियनशिप प्रतियोगिता में भाग लेकर अपने अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन करियर की शुरुआत की, जहाँ उन्होंने दोनों में पदक जीते। राष्ट्रपति कोविंद ने दी बधाई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मीराबाई चानू को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, टोक्यो ओलंपिक गेम्स में पूरे देश की प्रार्थनाएं आशाएं भारतीय जन के साथ है। मैं सभी भारतीयों की ओर से आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है कि आप सभी इस गेम में अद्भुत प्रदर्शन करेंगे और ख्याति प्राप्त कर हमारे देश को गौरवान्वित करेंगे। पीएम मोदी ने भी किया ट्वीट। लंबे समय से चल रही उठापटक इस मौके पर मीराबाई चानू को पीएम मोदी ने बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती, लेकिन मीराबाई चानू की परफॉर्मेंस से भारत उत्साहित है। वेटलिफ्टिंग में सिल्वर मेडल के लिए उन्हें बधाई। उनकी सफलता से हर भारतीय को नवजोत सिंह सिद्धू ने पहले ही दिन सिल्वर से खुला खाता। मीराबाई चानू ने इतिहास रच दिया है। मीराबाई चानू ने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया। ओलंपिक खेलों के पहले ही दिन भारत पदक तालिका में अपना खाता खोलने में कामयाब हो गया। चीन की जिजहू को वेटलिफ्टिंग के 49 किलोग्राम इवेंट में गोल्ड मेडल मिला है। दिल्ली की सड़कों पर धरना दे रहा है और सबसे बड़ा मसला यही है कि बीते कई महीनों से दिल्ली की देश के आर्थिक बदलाव के लिए उठाए गए मजबूत कदम को 24 जुलाई को 30 साल में भगवान की आवाज है। हम कार्यकर्ताओं की आवाज में तत्कालीन सुनेंगे। मनमोहन सिंह तमाम भारत में बातें जो है सिद्धू की तरफ से की गई, जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नीतियों में बदलाव से घरेलू अर्थव्यवस्था के दरवाजे दुनिया के लिए खुल गए। नतीजतन मजबूत भारत की नींव पड़ी और आज हम फिलहाल बस इतना ही। कल फिर हासिल होंगे 4 बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया। 1991 में पेश इस केंद्रीय बजट के साथ ही सरकार अर्थव्यवस्था के लिए LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का मॉडल लेकर आई थी। आर्थिक सुधारों के लिए उठाए कदम से
आम लोगों के जीवन पर भी असर पड़ा। रहन सहन के साथ उनके खर्च और आमदनी दोनों पर भी सीधा असर पड़ा है। जहां बात जून 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव देश के 9वें प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने वित्त मंत्रालय की कमान डॉक्टर मनमोहन सिंह पेगासस वायरस उस समय तक डॉक्टर सिंह रिजर्व बैंक के गवर्नर की जिम्मेदारी भी संभाल चुके थे। वित्त मंत्री के रूप में जब उनको जिम्मेदारियां मिली तो उनके सामने कई चुनौतियां सामने आई, जिसे शेयर बाजार में हर्षद मेहता घोटाला, चीन और पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध से धाराशाही इकोनॉमी, इम्पोर्ट के लिए जटिल लाइसेंसिंग सिस्टम समेत विदेशी पूंजी निवेश पर सरकारी रोक, इससे घरेलू अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ गई। आखिरकार खींचतान आपको बता दें कि 80 के दशक तक सरकार तय करती थी कि किस इंडस्ट्री में कितना प्रोडक्शन होगा। सीमेंट कार से लेकर बाइक के प्रोडक्शन तक हर सेक्टर में सरकार का कंट्रोल था। नतीजा ये था कि 1991 में जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने तब भारत में विदेशी मुद्रा का भंडार केवल 5.80 अरब डॉलर रही थी, जिससे सिर्फ दो हफ्तों तक ही आयात किया जा सकता था। ये गंभीर आर्थिक समस्या थी। 1991 में तत्कालीन सरकार ने कस्टम ड्यूटी को 220% से घटाकर 150 किया था। बजट में बैंकों पर आरबीआई की लगाम भी ढीली की, जिससे बैंकों को जमा और कर्ज पर ब्याज दर और कर्ज की राशि तय करने का अधिकार मिले। साथ ही नए प्राइवेट बैंक खोलने के नियम भी आसान किए गए। नतीजतन देश में बैंकों का भी विस्तार हुआ। मार्च 1991 में कुल बैंकों की संख्या 272 रही, जो 2021 में 121 हो गई है। इससे ग्रामीण बैंकों की संख्या 196 से घटकर 43 हो गई है। तत्कालीन केंद्र सरकार ने देश में लाइसेंस राज लगभग खत्म कर दिया था। इससे किस वस्तु का कितना प्रोडक्शन होगा और उसकी कितनी कीमत होगी, इस सब का फैसला बाजार पर ही छोड़ दिया गया। सरकार ने करीब 18 इंडस्ट्रीज को छोड़कर बाकी सभी के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था। अगर देश में कार प्रोडक्शन के आंकड़े देखें तो 1991 से 1992 में केवल 2 कारों की बिक्री हुई थी। ये मार्च 1995 में बढ़कर 3.12 लाख हुई, फिर 2003 से 2004 में बिक्री 10 लाख के पार पहुंच गई, जो 2020 से 21 में 1,52,71,519 कारों की बिक्री हुई है। सरकार के इस कदम से भारतीय उद्योगों को सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कंपटीशन के द्वारा खोल दिए गए, कंपटीशन के द्वार खोल दिए गए, जिससे अगले एक दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेजी से बढ़ी है। बेंगलुरु 3 दशक पहले उदारीकरण की बुनियाद रखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मौजूदा सरकार को चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था का जैसा बुरा हाल 1991 में हुआ था, कुछ वैसी स्थिति आने वाले समय में होने वाली है। इसके लिए तैयार रहे, आगे का रास्ता 1991 के संकट की तुलना में ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। देश के तमाम बड़े राज्यों में कांग्रेस की तरफ से धरना प्रदर्शन दिया गया था और आज ने कहा है कि चुनाव के दौरान केंद्र सरकार पर सीधे तौर पर हमला बोला है और साफ तौर पर राहुल गांधी ने कहा है कि मेरा कोर्ट ने कहा है कि लोकतंत्र में चुनाव और एक नहीं 3 से 4 बार किया गया था, और साथ ही गृह मंत्री अपना इस्तीफा भी दें और पीएम मोदी के खिलाफ न्यायिक जांच सभा चुनाव के दौरान गड़बड़ी तमाम आरोप राहुल गांधी की तरफ से केंद्र सरकार पर लगाए गए हैं और साथ ही उन्होंने आरोपियों पर पोलिंग स्टेशन के बाहर राहुल गांधी ने बवाल फैलाने के मामले कहा कि मेरा इस घटना में कई लोग नहीं है बल्कि 2013 में आवाज पर ये आक्रमण है। सुप्रीम कोर्ट और राफेल की जांच को रोकने के लिए इस वायरस का इस्तेमाल किया गया है। तमाम आरोप हैं जो राहुल गांधी की तरफ से केंद्र सरकार पर लगाए गए हैं। हालांकि हर रोजाना मानसून सत्र में भी पेगासस वायरस का मुद्दा गूंजता है और ऐसे में विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरता हुआ नजर आता है, जिसके बाद आज एक बार संसद के बाहर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार पर तमाम आरोप लगाया और गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग उनकी तरफ से नाकाम किया जाना चाहिए। इससे लोकतंत्र में कानून व्यवस्था पर भी असर पड़ता है। बिना डरे वोटिंग करना हर वोटर का हक है। 8 आरोपियों ने वोटर स्लिप देने से इनकार करने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को पीटा था। इसके बाद इन लोगों ने फायरिंग की, इसके आसपास मौजूद लोग घायल हो गए। कोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने की इजाजत स्वीपिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं।
वोट की गोपनीयता बनाए रखना जरूरी है। इजरायली सरकार कहता है कि लोकसभा या विधानसभा तमाम चुनाव में गोपनीयता रखना बेहद जरूरी है, तभी वोटर और अपने वोट की आतंकवादियों के खिलाफ होने पर उसके बुरे नतीजे क्रिमिनल्स के खिलाफ बचता रहेगा और सीधे चुनाव करवाने वाले हर देश में यही हमारे प्रधानमंत्री ने दरअसल ऐसे मामलों में 6 मिनिस्टर ने इस हथियार को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ इसका प्रयोग से सजा बढ़ाने की मांग नहीं की गई, इसलिए कोर्ट ने इस पर कोई ऑर्डर पास नहीं किया। फोन टैप किया कि सभी आरोपियों के खिलाफ चश्मदीद ये मेरी प्राइवेसी का मामला नहीं है। चश्मदीदों ने पुलिस और ट्रायल कोर्ट को बताया था कि आरोपी ये राहुल गांधी की प्राइवेसी का मामला नहीं और बोगस वोटिंग कराने के इरादे से ही मैं विपक्ष का एक नेता हूं, मैं जनता की आवाज उठाता हूं। फिर लौटेंगे तमाम मुद्दों के साथ, आप बने रहिए उस पर आक्रमण साथ।